हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं जा रहा हूँ शिमलागुड़ी के एक दुकान पर, जहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे चीज़ का भत्ता बना कर देता है, जैसा कि खीरा भत्ता हो गया और बहुत कुछ चीज़ भत्ता बना कर देता है जो बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने कुछ दिन पहले ही खाया था, लेकिन उसका ब्लॉग नहीं बना पाया। क्यों ना मैं आप लोगों को उस दुकान के बारे में बता देता हूँ और वहाँ का जो टेस्टी फूड्स है वो भी खा कर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा बनी है, तो इस वीडियो को देखो। इस साइड में एक मंदिर भी हो रहा है, देख लो अच्छी तरह से। हम हावली से शिमलागुड़ी की तरह जा रहे हैं, तो इस वीडियो बहुत ही अच्छा होंगे। आई होप आप लोग इस वीडियो को पसंद करोगे। ये वीडियो पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और इस दुकान पर ज़रूर आना आप लोग, खा के जाना, बहुत ही मज़ेदार है। चलो गाइस वीडियो देखो। तो फाइनली यहाँ पर आते आते इस लोकेशन पर आ गया। देखिए यहाँ का जो नज़ारा है ना, बहुत ही मज़ा आया, लिटरली बहुत ही मज़ा आया। तो यहाँ का जो शॉप है ये है, इस भाई ने हम लोगों को अचार बनाकर खिलाएगा, जो बहुत ही मज़ा आया। तो फिर हमने जब यहाँ पर पहुँचा तो हमारा कैमरा के सामने कुछ धूल मिट्टी लगी हुई थी, तो मैंने उसे खुलकर साफ़ सफाई करने लगा। तो इतने में ही देखो गाइस, मेरा जो GoPro है वो घिर कर किस तरह से गिर गया। देखो गाइस किस तरह से गिर गया, उसका कोई बॉक्स भी नहीं था, खुलेआम गिर गया। मैंने तो सोचा कि गया काम से, यार मेरा तो GoPro इस बार गया काम से, तो फाइनली कुछ नहीं हुआ। देखिए गाइस, यहाँ पर जो GoPro का कवर था वो यहाँ पर जो मैंने माउंट किया था वो यहाँ से गिर गया, छूट गया, यानी इसलिए छूटा कि यहाँ पर जो हेलमेट का जो रंग होता है ना, रंग के ऊपर चिपकी हुई थी, इसलिए टूट गया, वरना नहीं टूटते, ये बहुत ही मज़बूत। देखिए यहाँ पर खीरा को छिलाने का स्टाइल बहुत ही मज़ा आया, लिटरली बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पर एक खीरा 10 का होता है, जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से बना कर देता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखिए खीरा को छिलने के बाद दो कागज़ ले रहा है भैया ने, उसके बाद देखता हूँ क्या करता है। यहाँ पर वाओ, एक प्लास्टिक ले जा रही है और उसके बाद काट रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, छोटा छोटा करके काट रहा है, ताकि इसीलिए उसको प्लास्टिक को दिया ताकि जो मसला है वो अपनी कागज़ की तरफ, कागज़ को भीग ना जाए, इसलिए यहाँ पर प्लास्टिक दी गई है। उसके बाद यहाँ पर मिर्ची जल रहा है थोड़ा, और थोड़ा नमक दे रहा है, और क्या क्या देंगे भाई लोग। यहाँ पर कुछ अचार है जो भैया ने क्या कहा था, कुछ अचार है जो घर में बना कर लाया है, तो यही मसाला देकर जो बहुत ही टेस्टी करके बनाता है। देखिए मिक्स करने का वाह स्टाइल क्या है, बहुत ही मज़ा आया मिक्स करने का स्टाइल, देखिए भाई लोग वाह। तो मिक्स करने के बाद भैया ने कहा कि यहाँ पर खाओगे, हाँ मैंने कहा कि यहाँ पर खाऊंगा, तो भैया ने पिक करके दे दिया। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो मिक्स किया है भैया ने, बहुत ही दिखने में भी बहुत ही मज़ा आ रहा है, खाने में भी बहुत ही शायद मज़ा आएगा, लिटरली बहुत ही मज़ा आएगा। तो मैंने यहाँ पर खा कर टेस्ट किया, मैंने बाद में भैंस दिया, ये जो भैंस सुन रही हो, मैंने बाद में दिया, लेकिन मेरा जो मुँह से पानी निकल रहा है लिटरली, आप लोगों का भी तो निकला होगा, वाह बहुत ही मज़ा आया। तो यहाँ पर आकर आप लोग भी खाओ, मज़ा लो। तो इसके बाद खीरा का भत्ता खाने के बाद मुझे भी और एक चीज़ खाने का मन कर रहा है, यहाँ पर जो क्या कहता है अमलोखी कहते हैं वो मैं खाऊंगा। 10 का 2 देता है यहाँ पर, तो इसको मशीन से छोटे छोटे करके इस तरह से खिचक खिचक के बनाई जा रही है छोटे छोटे करके, तो देखते हैं ये कैसा टेस्ट होता है। शायद ये भी बहुत ही मज़ा आया होगा, ये तो आपको खाना चाहिए, ये आपको पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, जो खाने की शक्ति जो है वो बहुत ही ताज़ा करता है। तो मैं ये भी खा कर देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा होता है। देखिए यहाँ पर जो बनाने का तरीका है ना, बहुत ही मज़ा है लिटरली। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या देते हैं, सबसे पहले यहाँ पर नमक दे रहा है, जितना चाहिए उतना नमक दे रहा है, उसके बाद देखते हैं क्या देता है। यहाँ पर मिर्ची दे रहा है थोड़ा, और धनिया का पत्ता जो है, धनिया का पत्ता दे रहा है, और जो अचार है वो दे रहा है। देने के बाद यहाँ पर देखिए मिक्स कर रहा है एक चम्मच से, हाथ लगाने के कोई चांस ही नहीं, यहाँ पर हाथ तो लगा ही नहीं सकता। देखिए चम्मच से बहुत अच्छी तरह से खिचक खिचक के मिक्स कर रहा है, ताकि मिक्स हो जाए एक दूसरे से। पहले तो जो बनाया था वो इस तरह से कुछ अलग तरीके से मिक्स कर रहा था, लेकिन ये छोटा छोटा है इसलिए एक चम्मच से थाल में मिक्स कर रहा है। तो यहाँ पर मिक्स हो गया है, तो एक पत्ता लिया और उसमें डाल दिया, तो पत्ते में ही खाने देता है, खाने को देता है। तो मैं देखता हूँ इसका टेस्ट क्या है, शायद ये भी बहुत ही मज़ा होगा, क्योंकि ये तो मज़ा होना ही चाहिए। तो मैं कैमरा फीड कर लेता हूँ अच्छी तरह से, मैं खा कर देखता हूँ। वाह लिटरली बहुत ही मज़ा आया।
मज़ा क्यों ना आएगा। ये कच्चा जो है ना, कच्चा चीज़ जो भत्ता वगैरह बना कर देता है ना, वो बहुत ही मज़ा आता है। लिटरली मुझे बहुत ही मज़ा आता है, इसलिए आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, मल्टीपल चीज़ें खाकर दिखाऊंगा, उसके टेस्ट दिखाऊंगा, स्ट्रीट फूड वगैरह जितना दिखा सकता हूँ वो दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को बने रखिए, इस वीडियो को आगे तक बहुत ही शेयर कीजिए, शेयर करने में क्योंकि मज़ा आता है, और एक लाइक भी कर दीजिए, लाइक में मोटिवेशन मिलता है। कमेंट भी कर देना कि वीडियो कैसा लगा। यह जी के यहाँ से मैंने बहुत चीज़ खाया, खाकर मैंने पैसा दिया और पूछा उसका लोकेशन क्या है। राम भरोसा, राम भरोसा, शिमलागुड़ी राम भरोसा, सामने था ना, वाइन शॉप राम भरोसा शिमलागुड़ी के अपोजिट में। यहाँ पर एक वाइन शॉप है, वाइन शॉप के पास में ही इसका शॉप है। आप लोग आना चाहते हो आकर यहाँ पर टेस्टी फूड टेस्ट कीजिए। तो बाइक को मैंने बाय बाय किया, वीडियो इतना ही था। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, बहुत ही मज़ा आएगा। और आप लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर स्ट्रीट फूड खा सकते हो, बहुत ही मज़ा आता है, खाने में मज़ा आएगा, आप लोग भी आकर यहाँ से खाओ। तो वीडियो इतना ही था, तब तक के लिए बाय।